हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि इंदौर कचड़ा से पैसा कैसे कमाता है। उसी कड़ी में हम आज आप लोगों को ले चलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में और जानने का कोशिश करते हैं कि कचड़े को भी लायक बना देने वाला ये प्लांट काम कैसे करता है। प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन, सो बेसिकली IMC ने हमें ये लैंड और रोज का ड्राई वेस्ट लाइक सूखा कचरा हमें वो प्रोवाइड करते हैं। रोज का यहाँ पे 300 मेट्रिक टन पर डे प्रोसेस होता है 12 आवर्स में सूखा कचरा, ठीक है। सो बेसिकली नगर निगम क्या करता है, घर से डोमेस्टिक ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट कलेक्ट करते हैं, उनके ट्रांसफर स्टेशंस हैं 10 ट्रांसफर स्टेशंस है सिटी में, जहाँ पे वो लोग ऐसे कैप्सूल्स आते हैं उसमें 8 to 9 मेट्रिक टन ड्राई वेस्ट होता है, जिसको वो लोग कंप्रेस करके हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। अब नेपरा रिसोर्स मैनेजमेंट उसमें क्या करता है, हम लोग सूखे कचरे में से वैल्यूएबल 16 कैटेगरीज निकालते हैं जो आगे जाके रिसाइकल होती हैं। ये पहला स्टेप है, यहाँ पे कैप्सूल आके वे होता है। वे होने के बाद ये पूरा टिपिंग एरिया है, टिपिंग एरिया में मटेरियल को अनलोड करते हैं। यहाँ पे अनलोड होने के बाद मटेरियल का क्वालिटी चेक होता है, तो क्वालिटी चेक में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कितना वेट कंटेंट है या इसमें कितना इनर्ट परसेंटेज है वो हम चेक करते हैं, प्लस कुछ भी ओवरसाइज मटेरियल है जो आगे जाके मशीन्स में स्टक हो सकता है वो भी यहाँ पे मैन्युअली हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग JCB की हेल्प से इस मटेरियल को बकेट करते हैं मेन कन्वेयर में, बकेट माने फीडिंग कर रहे हैं कन्वेयर में, और वो कन्वेयर से सीधा ऑटोमेटिक मशीन में जाता है प्रोसेसिंग के लिए। सो आप देख सकते हैं ये पूरा प्लेटफॉर्म एरिया है, यहाँ पे मेन कन्वेयर से सीधा मटेरियल ट्रॉमल में जाता है। ट्रॉमल में बेसिकली क्या है, होल्स हैं, होल्स सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, सो जब मटेरियल उसके अंदर जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू द साइज सेग्रीगेट करता है मटेरियल को। ट्रॉमल से फिर सीधा बैलिस्टिक मशीन में जाता है मटेरियल। बैलिस्टिक मशीन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह है, जैसे हमारे घरों में छन्नी होती है गेहूं छानने वाली, वो लाइट डेंसिटी और हेवी डेंसिटी को अलग करता है, सेम यहाँ पे इस मटेरियल में से जो लाइट डेंसिटी मटेरियल है उसको अलग करते हैं और हेवी को अलग करते हैं, लाइट अलग हेवी अलग, सो हम लोग उसको 2D और 3D कहते हैं। जो 2D मटेरियल है वो आगे पास होगा, फिर वो ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीन में से पास होगा। ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीन एक जर्मन बेस्ड मशीन है, जिसमें बेसिकली हम कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, कोई भी कैटेगरी हम उसमें सेलेक्ट करेंगे तो वो मटेरियल को इजेक्ट करेगी। इजेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3 पे सिर्फ पेपर आता है, क्योंकि वहां पे हमने ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीन में पेपर सेलेक्ट किया हुआ है। 3D ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीन में हमने सारा प्लास्टिक का रिजिड कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ है, लाइक HDPE, PP, पेट बॉटल्स। तो आप देखेंगे लाइन नंबर 6 और 5 पे सिर्फ रिजिड प्लास्टिक आता है। आइए मैं दिखाती हूँ। सो लाइन नंबर 6 और 5 पे आप देखेंगे डिस्पोजल प्लास्टिक HDPE यही आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीन उसको इजेक्ट कर रही है, उसका रिजेक्टेड मटेरियल लाइन नंबर 4 पे जाएगा। इसके बाद जब सारा मटेरियल कन्वेयर बेल्ट पे आता है तो हमारे पास ये एक्सपीरियंस रैक पिकर्स है जो हैंड सॉर्टिंग करते हैं मटेरियल का। 16 कैटेगरीज लाइक कार्डबोर्ड, पेपर, एल्यूमिनियम, रफिया माने HDPE बैग एंड मेनी मोर, लाइक 16 कैटेगरीज। उसके बाद हमारे पास दो बेलिंग मशीन है 600 kg और 900 kg का, जहाँ पे हम मटेरियल को कंप्रेस करके बेल करके स्टैक करते हैं। वो पूरा स्टोरेज एरिया है, आप देख सकते हैं फिनिश गुड एंड डिस्पैच एरिया, जहाँ पे हमने जो जितना भी सेग्रीगेशन किया मटेरियल का वो स्टैक करके वहां पे रखते हैं, वहीं पे ही रिसाइकलर्स के व्हीकल जाते हैं और हम वहां से उसको डिस्पैच कर देते हैं मटेरियल को। मतलब रिसाइकल यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे टोटल सेग्रीगेशन का काम होता है। यस, सो हम यहाँ पे सूखे कचरे में से 16 कैटेगरी को सेग्रीगेट करते हैं और उसके बाद रिसाइकलर्स को सेंड कर देते हैं। एक जगह पे रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर का अलग प्रोसेस होता है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का अलग प्रोसेस होता है, राइट, रबर को रिसाइकल करने के लिए एक अलग प्रोसेस होता है। सो इसलिए हमें डिफरेंट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में उसको आगे प्रोसेस करने के लिए भेजना पड़ता है। सो या एंड इस मटेरियल में से जो लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है, जो नॉन रिसाइकलेबल है, उसको कहते हैं RDF, रिफ्यूज डिराइव फ्यूल। वो हम
लोग श्रेड करके सीमेंट कंपनीज में भेजते हैं, सीमेंट कंपनी उसको इंसिनरेट करते हैं, लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल और पेट्रोलियम दे आर यूजिंग दिस वेस्ट एज अ फ्यूल. ये पूरा प्रोसेस है हमारे प्लांट का. वीडियो खत्म करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, 100% कचड़े का समाधान करने वाला यह प्लांट आपके शहर में भी आने को तैयार है, बस कमी है तो हमारे नेताओं में और सरकारी बाबुओं में. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.